हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स आपका होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं सबसे पहली बात हम जो इसमें स्टडी करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं और तीसरी बात हम किसके बारे में स्टडी करते हैं मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते, है। करते हैं तीन चीजों को हम स्टडी करते हैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म तो आइएगा तो क्या होता है केमिकल केमिकल काइनेटिक्स काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड उसकी क्रियाविधि की वो रिएक्शन कैसे आपकी हुई है तो वो जो स्टडी करते हैं जिस केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स तो सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन तो इन तीन चीजों को हम डिस्कस कर यहां पे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आप इस चीज को देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि यूनिट टाइम में कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया वो उसकी क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये रिएक्शन है ए प्लस टू बी गिव्ज टू सी सपोज करिएगा यहाँ पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो इनिशियल टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होती ये भी आपका सपोज करिएगा ये टेन है ये आपका या आप इसे सिंपल देख लीजिएगा कोई दूसरी रिएक्शन से आर गिवज टू पी T इज इक्वल टू जीरो टाइम जब ये रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होती तब इसकी कंसनट्रेशन जो मान लीजिएगा वो कितनी है आपके टेन प्रोडक्ट तो बना ही नहीं क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं तो जीरो सपोज करे टी टाइम फाइव सेकेंड के बाद आपकी ये जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट बन गया आपका सिक्स तो रिएक्टेंट कितना रह गया टेन माइनस सिक्स तो ये कितना रह गया फोर तो कितना चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हुई यूनिट टाइम में तो यूनिट टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन पहले टेन थी फिर फोर रह गई तो कितनी हो गई आपकी सिक्स तो सिक्स अपॉन फाइव या आप इसको यह बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में कितनी कंसंट्रेशन का चेंज हुआ इन फाइव सेकेंड में ठीक है ना तो अब आपका देखेगा तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम कि पर सेकंड में आपका पर सेकेंड या पर मिनट में या पर टाइम में कितना रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है कितना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है वही क्या होती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इन नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर तो अब आप देखिएगा अब रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसपियरेंस अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से यहां पर दिखा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहां पर दो तरीके से दिखा सकते हैं रेट ऑफ डिस एंड रेट ऑफ अपेरेंस तो सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस को तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीकों से आप दिखा सकते हैं रेट ऑफ डिस एंड अपेरेंस अपेरेंस तो रेट ऑफ डिस अपेरेंस क्या होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस का मतलब है यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस की फॉर्म में आप uh, दिखा रहे हो तो उसको रेट ऑफ डिसएपियरेंस बोलते हैं और यदि आप प्रोडक्ट की कंसन चेंज इन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन में दिखा रहे हो तो आपको उसको रेट ऑफ एपरेंस बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई रिएक्शन है आपकी ए प्लस टू बी गिव टू सी तो आपका रेट ऑफ एपरेंस रेट ऑफ अपेरेंस डिश डिश अपेरेंस ऑफ ए तो ए की ट्रम में यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन को आप दिखाना चाहते हो तो क्या होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कितना टाइम लगा इसने डेल्टा टी तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन डेल्टा टी पर यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि चेंज इन जो कंसंट्रेशन होते हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होता है घटती है तो यहां पे हम लगाएंगे माइनस साइन यदि आपका डिश अपेरेंस यदि आप रिएक्टेंट बी के टर्म में आप दिखाना चाहते हो आप इसको तो आपका ये क्या होगा माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन जो बॉक्स है ये बॉक्स का मतलब हो गया आपका concentration, ये बॉक्स होता है molar concentration, clear? तो <coughs> change in concentration, delta का मतलब परंतु पे कितना कितना मॉलिक्यूल है बी का टू तो अपॉन में टू क्लियर हो गया आपकी माइनस ये भी माइनस अब रेट ऑफ अपियरेंस क्या होता है रेट ऑफ अपियरेंस किसके टर्म में दिखाया जाता है प्रोडक्ट के टर्म में तो रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी कितना होगा अब आप यहां पर देखिएगा यह हो जाएगा चेंज इन कंसनट्रेशन चेंज इन चेंज इन कंसनट्रेशन का मतलब बॉक्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी अपॉन कितना टाइम लिया डेल्टा टी तो यह आपका प्लस होता है क्योंकि कंसंट्रेट टाइम के साथ साथ आपके प्रोडक्ट बनता है अर्थात उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है इसलिए यहां पे प्लस साइन आपका आया तो यहां पर यही चीज हमने यहां पे देखी है तो द रेट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट ऑफ ऑफरेंस ऑफ एनी ऑफ 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 द रिएक्टेंट एंड रेट एनी प्रोडक्ट फॉर अ रिएक्शन ए प्लस टू बी ये हमने जो रिएक्शन ली थी रेट ऑफ ऑफ ए तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कितना हो चेंज इन टी इसी तरीके से आप बी में भी दिखा सकते हैं ये इनटू में टू था इसका इसको अपॉन में ले जाते हैं तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी क्लियर अब हमारा नेक्स्ट इसी तरीके से आप रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी कितना होगा

सेकेंड या मिनट है तो आप पर मिनट कर सकते हैं तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड क्लियर या आप इसको मोल पर लीटर को आप कैपिटल एम से डिनोट करके पर सेकेंड या पर मिनट पर मिनट है। आप एम एम का मतलब मोलर कंसंट्रेशन या तो मोल पर लीटर लिख लीजिएगा या मोलर कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं अब देखिएगा तो ये इसकी यूनिट हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की अब यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड यदि आपका प्रेशर के टर्म में लिखना है तो यदि आपका गैसेस है आपका रिएक्टेंस तो आपका ए पर सेकेंड हो सकता है तो अब हम इसकी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया कि द रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट क्या होता है आप इस चीज को देखेगा इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसके चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होगा मतलब कि बहुत कम टाइम हमने कहा कि भाई अब बताइएगा तो उसमें बहुत ही कम टाइम में आपका इंस्टेंट का मतलब कि एकदम से तात्निक एकदम से आपको बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो सपोज करिएगा कि आपका वो जो टाइम है जो बहुत ही कम टाइम है वो डी है चेंज इन अपॉन कंसनट्रेशन आपकी कितनी है आपकी सपोज करिएगा इस कम टाइम में जो इंस्टेंट टाइम है इस पर आपकी चेंज इन कंसनट्रेशन कितनी हुई आपकी डी <coughs> यदि यही रिएक्शन हम ले ए प्लस टू बी गिव गि सी तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन आर इजिकल टू क्या होगा माइनस डी अपॉन डी टी बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है इसी तरीके से यदि बी के ट्रम में लिखना चाहे तो माइनस डी बी अपॉन डी टी इंस्टेंट टाइम है आपका और यदि आपका प्रोडक्ट के ट्रम में आपको रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखना चाहे तो माइनस डी c अपॉन डी टी ठीक है चेंज इन कंसंट्रेशन एट इंस्टेंट टाइम क्लियर ये प्लस कर लेना और इसको माइनस कर लेना ठीक है ना तो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट तो द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और इसे आर आई एन टी से डिनोट कर सकते हैं सफिक्स में आप इसके आई एन टी लगा देना इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है अब आप यहां पे देखना है हमको कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है तो ये भी कुछ नहीं होती चेंज इन कंसंटेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम वो क्या हो गई आपकी एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट और यदि आपको एवरेज निकालना है तो आपका द चेंज इन कंसनटेशन ओवर ऑ लॉन्ग लॉन्ग इंटरवल लॉन्ग इंटरवल टाइम ठीक है ना कि आपका एक लंबे टाइम में उसके कितना कंसंट्रेशन आपकी चेंज होती है वो क्या होती है उसके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है तो क्या होता है ये देखिएगा इट इज द अपेयरेंस प्रोडक्ट डिस ऑफ द रिएक्टेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल लॉन्ग टाइम इंटरवल में उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन तो द डिफिनेशन क्या बनी यहाँ पर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल ठीक है एक लंबे इंटरवल में उसकी कितनी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हुई सपोज करेगा हम इसी रिएक्शन पे विचार करते हैं ए प्लस टू बी गिव टू सी अब देखेगा तो यहां पे रेट एवरेज तो डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम कितना लॉन्ग इंटरवल टाइम आपका डेल्टा टी ये माइनस क्योंकि आप किसके टर्म में आप निकाल रहे हो रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बी के ट्रम में क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस बी अपॉन लॉन्ग इंटरवल टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये अपेरेंस क्या होगा इसका डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी तो ये निकल गई आपकी एवरेज uh, तो यहाँ पे अपोन है तो अपोन टू कर लेना तो ये ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसी भी टर्म में हो चाहे ए के टर्म में डिसपेरेंस ए हो चाहे डिसअपेरेंस बी हो चाहे अपेरेंस सी हो आपका तो वो सब क्या होती है इक्वल होती है ठीक है ना आप किसी भी टर्म में आप इसको निकाल सकते हैं चलेगा तो अब हम हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ नूमेरिकल हम देखते हैं जैसे कि आपका यह नूमेरिकल है फोर द रिएक्शन टू एन टू ओ फाइव गैस गिव्स टू फोर एन ओ टू प्लस ओ टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ओ टू इज मोल पर लीटर एम का मतलब मोलर कंसेंट्रेशन या मोल पर लीटर भी पर सेकंड है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसाइव तो आपका क्या दे रखा है आपकी आर दे रखी है आर इज इक्वल टू तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा आप जो रेट होगा आर इज इक्वल टू वो कैसे निकाल सकते हैं आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन टू फाइव पर यूनिट टाइम मतलब कितना टाइम लगा सपोज करेगा डेल्टा टी तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन टू तो जो अपॉन में इसको ऐसा करिएगा अपॉन टू ठीक है ना वन अपॉन टू इसको माइनस कर दीजिएगा क्योंकि ये अपियरेंस डिस है इज़ इक्वल टू एनो टू की टर्म में क्या होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनो टू अपॉन डेल्टा टी वन अपॉन फोर जो कोफिशेंट होता है वो अपॉन में चेंज चेंज इन इन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू ये प्लस ही रहेगा क्योंकि अपियरेंस है क्योंकि प्रोडक्ट है अपॉन डेल्टा टी कोफिशेंट वन है तो यहाँ पे हमने वन ही किया चलेगा तो अब देखेगा आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू यहाँ पे देखेगा क्या दे रखा है इसने द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू इज रेट ऑफ फॉर्मेशन अर्थ इट मींस आपका ये वैल्यू जो गिवन है हमें जो गिवन गिवन क्या है ये गिवन है डेल्टा चेंज इन ये कितना है आपका टू पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे देखिएगा तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस वन अपॉन टू एन टू ओ फाइव अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने देखिएगा यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ओ टू तो एनो टू केनो टू तो कितना दे रखा है आपका टू पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड अब आपका क्या पूछ रहा है वो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस ऑफ एन टू फाइव तो चेंज इन एन टू ओ फाइव अपोन डेल्टा टी तो ये चीज वो पूछ रहा है आपका तो ये क्या हो जाएगा ये अपॉन टू है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका टू अपॉन फोर मल्टीप्लाई टू पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे देखेगा तो ये कितना आ गया आपका इसको काटेगा पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर पर सेकेंड तो ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन आ गई तो ये क्वेश्चन था आपका फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा था इसका मतलब एनओ टू का तो इसका मतलब ये दे रखा है आपका तो सबसे पहले आपने इनका अपेरेंस और डिसअपियरेंस में इसको तोड़ लेना है देखिएगा जैसे कि हमने तोड़ा रिएक्शन को देख के अब जो कुछ गिवन है ये गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू तो हमने क्या करा इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू आपकी ये दे रखी थी ये जो गिवन था फिर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी वन अपन फोर ये अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है डिसअपेरेंस ऑफ एन टू और फाइव ठीक है ना तो आपका ए, अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं ये आपका आंसर चलेगा अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है मोलिकुलैरिटी तो मोलिकुलैरिटी क्या होती है वॉट इज मोलिकुलरिटी तो मोलिकुलरिटी क्या होती है आप इस चीज को देखेगा मोलिकुलरिटी क्या होती है द टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू ए प्लस बी गिवज टू सी तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है ए कितना है टू टू तो ए है और वन क्या हो गया आपका बी तो टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है आपकी थ्री तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई थ्री तो अब यहाँ पे देखिएगा इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन अब देखिएगा इसकी क्या क्या मोलिकुलरिटी uh, की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट इज अ थर्टिकल कंसेप्ट ये थर्टिकल कंसेप्ट है क्योंकि आप इसको जैसे कि ये रिएक्शन है यहाँ पे तो यहाँ पे आपका कितना जैसे टू एन एच थ्री गिवस टू एन टू प्लस एच टू तो इसमें इसकी मोलिकुलरिटी यहाँ पे कितनी होगी मोलिकुलैरिटी आपकी यहाँ पे टू होगी क्योंकि इस पे टू रिएक्टिंग स्पीसीज आपका यहाँ पे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है तो आपका ये इसलिए थोरटिकल है आप रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है अब नेक्स्ट इट इज ऑलवेज अ होल नंबर ये हमेशा होल नंबर होता है टू वन थ्री इट वैल्यू कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ठीक है ना <coughs> अब आप अगला हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रिएक्शन विच प्रोसीड इन टू और मोर स्टेप फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स टू ए गिव्स टू ई ये आपकी रिएक्शन है यदि हम इसको देखें तो पहले ए से बी बना बी से सी बना सपोज करेगा सी से फिर डी बना और डी से फिर ई e बना तो ये जो रिएक्शन है यदि हम रियली really, मतलब कि एक्चुअली uh, में मतलब एक्चुअलिटी में देखे इसको तो क्या देख क्या पता चलता है कि ये रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो रही है देखो ये चार स्टेप में हो रहे वन टू थ्री फोर तो ये रिएक्शन क्या हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई आपकी एंड द इच स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कोल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन तो ये जो पल, जो इसका प्रत्येक स्टेप है आपका वो हमें क्या बोलते हैं हम उसको एलिमेंट्री रिएक्शन ये क्या है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन ये सब क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन तो अब आप, आप समझ गए होंगे द रिएक्शन विच प्रोसीड इन टू और मोर स्टेप जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में होती है वो रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है क्योंकि ये जैसे कि ए गिवस टू ई तो ये कितने स्टेप में हुई ए से ई e, आपका चार स्टेप में आपके बना है एंड द इच स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन तो यही चीज यहां पर है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है ना तो अब आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है जिससे हम रेट जैसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और आपको उससे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है ध्यान रखना जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है जो सबसे धीमे चलता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है सपोज करिएगा कि ये इसका ये सबसे स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ठीक है उसके आधार पर ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है चलेगा तो अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम रेट लॉ को अगला है हमारा रेट लो तो रेट लॉ क्या है रेट लो क्या है रेट रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना किसकी ट्रम में आपकी कंसंट्रेशन की टर्म में जैसे कि सपोज करिएगा आपका यही कोई इक्वेशन ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस टू बी गिवस टू सी तो अब आप देखिएगा इस रेट ऑफ रिएक्शन को आप किसकी टर्म में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ए बॉक्स का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आप रेट ला क्या है एक एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर कुछ पावर लगाकर एक्स और वाई जैसे कि हमने एक्स और वाई लगाकर डिनोट किया जाता है ये के क्या है आपका कॉस्टेंट है तो हम इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं रेट लो हम बोलते हैं तो रेट लो क्या रहता है आपका रेट लो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रेट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और ये पावर जो होती है जैसे कि एक्स है ये पावर क्या होती है ये स्ट्राइक्योमेट्रिक ओफिशेंट के बराबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है आप ये नहीं कि x की वैल्यू यहां पर रख वन रख दूंगे और y की वैल्यू यहां पर क्या रख दूंगे टू ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है एक्सपेरिमेंटल डेटे से आता है कि x और y की वैल्यू क्या रखनी है आप इसे बिल्कुल भी आप क्वेजन को देखकर इसे नहीं बता सकते जैसे कि आपने यहां पे देखा कि ए का स्ट्राइक्योमेट्रिक ऑफिशेंट वन है तो एक्स की वैल्यू वन रख दो बी का स्ट्राइक्योमेट्रिक ऑफिशेंट टू है तो यहां पर वाई वै वै की वैल्यू टू रख दो एक्स और वाई जो होगा वो जो एक्सपेरिमेंटल डेट डेटा जो आता है उसको सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी जाती है यहाँ पर और वो आपका रेट लो होता है ठीक है ना तो अब आपको दिया हम लोग उसको कंसिडर करते हैं एक्स और वाई को <coughs> उसको एक्स और वाई को कैसे फाइंड आउट करते हैं चलेगा तो रेट लो को पहले डिफाइन कर ले तो रेट लो क्या है आपका इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद इच टू सम पावर विच मे बी और मे नोट बी इक्वल टू द स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशेंट तो रेट लैक है ये एक एक्सप्रेशन है इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का जिसमें क्या होता है इज़ गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इच टर्म रेस टू सम पावर जिसमें आपके मोलर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लगा के रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है जो ये पावर होती है ये स्टाइकोमेट्रिक ऑफिशेंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ये एक्सपेरिमेंटल डेटे के ऊपर uh, आपका डिपेंड करता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप इसे रिएक्शन को देख के एक्स और वाई आप नहीं निकाल सकते चलिएगा फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिएक्शन है आपकी ए प्लस टू बी गिव टू सी प्लस टी तो यहां पे आर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई तो आर इज इक्वल टू के के क्या होता है आपका इसको बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट ए की पावर एक्स एंड बी की पवर वाई तो ये क्या हो गया आपका रेटरोन हो गया एक्स और वाई की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटलो होता है. चलेगा. तो के क्या है आपका के क्या है आपको ध्यान रखना है रेट कोस्टेंट है आपका अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएशन को तो सबसे पहली बात ऑर्डर ऑफ रिएशन आपका होता क्या है ऑर्डर ऑफ रिएशन द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन द सम ऑफ द पावर एक्स प्लस वाई तो देखिएगा जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो रेट ला एक्सप्रेशन में ये रेट ला एक्सप्रेशन है जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर का जो सम होता है वही क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कहने का मतलब है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका किससे निकलेगा रेटला से या तो रेट ला आपको दिया होगा या रेट ला आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा देके रखेगा वो ठीक है ना तो जैसे कि इज़ इक्वल टू के तो इसके लिए तो आपकी डिफिनेशन क्या बनती है यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ द पावर द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो रेट ला एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन की जो पावर का होता है वही क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो यहां पर देखिएगा तो आपका यहां पे क्या आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ द पावर द सम ऑफ द पावर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेस इज गोल्ड ऑर्डर ऑफ रियक्शन रियक्शन एच टू सी एल टू एच टू सी एल टू गिव टू टू एस सी एल तो इसके लिए रेट क्या आ गया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे दे दे रहा हूं आपका एच टू प्लस सी एल टू टू एस सी एल तो यहां पे जो रेट होता है वो कहां किसके इक्वल होता है के एच टू की पावर जीरो सी एल टू की पावर जीरो इसका मतलब है कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एच टू की कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रही है और सी एल टू की कंसनट्रेशन के भी ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है तो यह शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के अर्थात रेट इज इक्वल टू के इसका मतलब एच टू की कंसंट्रेशन भी ये जीरो की वैल्यू जब किसी भी पावर जीरो होती है तो वो वन होते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो चलेगा तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और ध्यान रखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है जो आपका जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो आपका सोलोएस्ट स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इट मे भी जीरो होल नंबर फ्रैक्शनल और इवन नेगेटिव ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकती है होल नंबर भी हो सकता है फ्रिक्शनल भी होता है इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंट क्वांटिटी ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंट क्वांटिटी है आप इसे थोरिटिकली या किसी रिएक्शन के चेहरे को देखकर नहीं बता सकते अब देखिएगा रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है रेट कॉन्स्टेंट आपका क्या है पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं रेट कॉन्स्टेंट को हम यहां पे डिफाइन करते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट आपका है. चलेगा जैसे कि कोई रिएक्शन जैसे कि हमने ली थी ए प्लस टू बी गिव टू सी इसके लिए आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका के मोलर कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर वाई यदि आपको इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे सपोज दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन बी आपका एक यदि इनकी कंसंट्रेशन आपकी क्या यूनिटी है तब आपका आर इज इक्वल टू क्या होगा के तो रेट रेट ऑफ कोस्ट रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी यदि आपका मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही उसका रेट कॉन्स्टेंट होता है और ध्यान रखना कि जो आपका रेट कॉन्सटेंट होता है उनके लिए क्या होता है यूनिटी <laughs> भी अलग अलग होती है जैसे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपकी यदि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यदि ऑर्डर जीरो आता है उसका तो उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका फर्स्ट और आपका इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका पर सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मोल पर मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड तो ये लीटर पर मोल पर सेकंड हम इसको बोल सकते हैं तो इन यूनिट को आपको ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो यूनिट दे देता है कॉन्स्टेंट की और वो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा जैसे कि आपकी यूनिट ऐसे दे, दे दी पर सेकंड तो के की वैल्यू दे रखी है आपके टू पॉइंट थ्री कुछ भी पर सेकेंड तो पर सेकेंड यूनिट किसकी होती है के की जो यूनिट होती है पर सेकेंड वो किसके होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है के की यूनिट पे आपको ध्यान रखना होता है और वहां से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी निकल जाती है तो रेट आपका हो गया तो अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट भी अलग अलग होता है चलिएगा हम इसको रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट निकालना भी हम आपको सिखाते हैं जैसे कि आपके कोई रिएक्शन है आर इज इक्वल टू के ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ठीक है ना देखिएगा इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपका जो आर है इज इक्वल टू के ए की पावर वन ठीक है ना तो इसका समीप भी वन ही आएगा तो अब आप देखिएगा आर की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए तो इसकी क्या होगी मोल पर लीटर क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होते हैं मोल पर लीटर मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल तो के की यूनिट क्या है? पर सेकंड इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर की भी आप इजीली निकाल सकते हैं तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन कुछ को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी आपका क्लियर हो जाएगा तो चलिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लगाते हैं चलेगा तो हमने कहा था कि यदि वो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो या तो वो डेटा दे के रखेगा या उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको सीधा दे के रखेगा ये आपको पता होना चाहिए तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है या आप क्वेश्चन का क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते तो चलेगा तो यहां पे क्या द फॉलोइंग बीन है ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज एक्सपेरिमेंट नंबर वन टू थ्री या चार एक्सपेरिमेंट किए गए जब कंसनट्रेशन ए रखी बॉक्स का मतलब कंसनट्रेशन ऑफ ए जीरो पॉइंट वन ली और बी की आपकी कितनी ली जीरो पॉइंट वन ली तो आपका इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आई आपकी इतनी आई आर की वैल्यू जब आपकी ए जीरो पॉइंट थ्री लिया बी आपका जीरो पॉइंट टू लिया तब रेट ऑफ रिएक्शन आपका ये आया जब जीरो पॉइंट थ्री लिया तो पहले एक्सपेरिमेंट से कर लेते हो तो डिटरमाइन द रेट ला एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको इसको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको बताना है चलेगा। तो करिएगा। तो सबसे पहले देखेगा आपका यहां पे ये रिएक्शन आपको गिवन है टू ए प्लस बी गिव टू सी प्लस सी प्लस टी तो अब आप इसका रेट लॉ एक्सपेरिएशन मान लीजिएगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन बी की पावर वाई आप ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे रख देंगे ये स्ट्राइकोमेट्रिकोपेशन को, को ऐसे नहीं एक्स और वाई की वैल्यू इन एक्सपेरिमेंटल डेटे से हम निकालते हैं देखते हैं अब कैसे निकालते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन से देखिएगा जब आपकी ए की कंसनट्रेशन जीरो पॉइंट वन थी ए की कंसंट्रेशन कितनी है जीरो पॉइंट वन की पावर जीरो पॉइंट वन और बी की कंसनट्रेशन कितनी थी भैया जीरो पॉइंट वन देखेगा इस ये मान लिया कि ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है जब आपकी जीरो पॉइंट वन थी तो ए की कंसेंट्रेशन कितनी थी जीरो पॉइंट वन बी की कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट वन तो वाई और एक्स और आर की वैल्यू रेट ऑफ इस कंडीशन में कितनी थी आर की वैल्यू सिक्स जीरो मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री तो ये आपकी बन गई आपके यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन अब सेकंड क्वेश्चन भी बनाते हैं अब इसी एक्सप्रेशन में आपके क्या करना है जब एक की कंसंट्रेशन तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर आप पुट करेंगे सपोज करिएगा क्वेजन फर्स्ट है ये क्वेजन आपकी हो होगी अब एक्सपेरिमेंटल सेकंड से जो वैल्यू दी है आपकी ए की कंसनट्रेशन बी की कंसनट्रेशन रेट रेट ऑफ रिएक्शन वो आप इसको क्वेजन फर्स्ट में पुट करिएगा तो ये कितनी हो जाएगी आप देखिएगा आर की वैल्यू कितनी है दूसरे उसमें सेवन पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन कितनी है भैया आपके पास जीरो पॉइंट थ्री की पावर एक्स और बी के कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट टू की पावर वाई ये क्वेश्चन बन गई आपके थर्ड क्लियर अब आगे बढ़ते हैं अब एक्सपेरिमेंट थर्ड से भी सेम ऐसे ही करेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड में कैसे करेंगे आर की वैल्यू आपके की बार कितनी है जो एक्सपेरिमेंट थर्ड की वैल्यू है वो किसमें पुट करेंगे क्वेजन फर्स्ट में पुट करेंगे जैसे कि पहले पुट करते आ रहे हम टू पॉइंट एट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू के ए की कंसनट्रेशन आपके कितने ले गए जीरो पॉइंट थ्री की पावर एक्स बी की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी जीरो पॉइंट फोर की पावर वाई ये क्वेजन बन गई आपकी फोर्थ अब एक्सपेरिमेंट फोर्थ से भी ऐसी वैल्यू निकालते हैं आर की वैल्यू कितनी है आपकी टू पॉइंट फोर जीरो मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू के आर की वैल्यू यहां पे पुट करी ए की वैल्यू बार कितनी है जीरो पॉइंट फोर की पावर एक्स कंसेंट्रेशन बी की वैल्यू कितनी है आपकी जीरो पॉइंट तो इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने तो एक्सपेरिमेंट ट्वेल्व जितनी वैल्यू एक्सपेरिमेंट टू थ्री फोर से जो वैल्यू आती है वो आपको क्वेजन फर्स्ट में पुट करनी है जो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने माना हुआ था अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या करना है इसे सोल्व करने के लिए ये चार क्वेजन को सोल्व करके आपको एक्स और, और, और वाई की वैल्यू मिल जाएगी और जो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिले आप इस क्वेजन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा वही आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा तो चलिएगा अब हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं आगे अब हमें क्या करना है हमें ऐसी दो क्वेजन पकड़नी है ऐसी दो क्वेजन पकड़नी है जिनकी जिनका जिस पावर का बेस सेम ऐसी दो क्वेजन पकड़नी है जिस पावर का बेस आपका सेम होता है ऐसी आपको कोई दो क्वेजन आपको यहां से पकड़नी है तो चलिएगा तो ऐसी क्वेजन देखेगा एक क्वेजन ये हो गई आपकी फर्स्ट ये सेकंड क्वेजन हो गई और एक क्वेजन हो गई आपकी फिफ्थ क्योंकि इसमें देखिएगा एक्स की पावर यहाँ पे देखिएगा वाई की पावर जो वाई की पावर है जिस ये जो पावर है उसका बेस क्या है सेम देखो वाई की पावर का बेस सेम जीरो पॉइंट वन है और यहाँ पे भी वाई की पावर का बेस क्या है जीरो पॉइंट वन तो आप वहाँ से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्वेजन फिफ्थ बाई सेकेंड तो आपने इसको डिवाइड करना है अब आप देखिएगा फिफ्थ की वैल्यू क्या आती है आपकी टू पॉइंट फोर जीरो मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट फोर एक्स जीरो पॉइंट वन वाई और सेकेंड क्विजन क्या आती है आपकी ये सेकेंड क्विजन क्या है आपकी सिक्स पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री टू के जीरो पॉइंट वन की पावर एक्स अपॉन जीरो से K मर गया और ये कितना आ गया आपको जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो तो यहां पे देखते हैं इसको डिवाइड कर लेता है इसको टेन टू पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टू पॉइंट फोर और ये टेन टू पावर ये कितना आ जाएगा ये कट गया तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई टेन आ जाएगा तो जब टेन की मल्टीप्लाई टू पॉइंट फोर में करेंगे तो ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखिएगा जीरो पॉइंट वन से जिए गया तो ये कितना बचेगा जीरो पॉइंट फोर की पावर एक्स अपॉन जीरो पॉइंट वन की पावर एक्स तो ये कितना आ गया आपका फोर इजिक्वल टू जीरो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये भी फोर की पावर एक्स अब इनकी हम फोर को क्या ले सकते हैं फोर की पावर वन फोर की पावर एक्स तो अब इसकी क्या कर दीजिएगा पावर का आप कंपेयरिंग जब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे पावर को तो एक्स टू तो कितना आ गया आपका वन तो आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन लगाओ सबसे पहले आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को मान लीजिएगा फिर आपने एक्सपेरिमेंटल डेटा से जो वैल्यू है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसको पुट करिएगा जिससे आपके क्वेजन बनेंगे फिर आपने क्या करना है जैसे कि या तो आप वाई पकड़िएगा एक्स पकड़िएगा एक्स जो x पावर है जिनका बेस सेम है जैसे कि मैंने क्या पकड़ा यहां पे आपकी मर्जी है जो आप x पकड़ना चाहते आप x पकड़ लिया मैंने सबसे पहली चीज क्या पकड़ी कि जो y की पावर है जो y पावर का जो जिनका y पावर का y <coughs> <coughs> जिसकी पावर y है यदि वो सेम है पावर y पावर का जो बेस है यदि वो सेम है मैंने वो पकड़ा देखो देखे इसमें y की पावर y का बेस जीरो पॉइंट सॉरी यहाँ पे देखेगा पावर y का बेस यहाँ पे जीरो पॉइंट वन है यहाँ पर पा पावर y का बेस जीरो पॉइंट वन है तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया आपकी मर्जी x x वाला ढूंढ लीजिएगा आप चलेगा अब क्या करते हैं फिर में तो x की वैल्यू तो हमारी निकल गई अब y की निकालते हैं y के लिए अब हम पहली बार हमने y का ढूंढा तो अब के बार x का ढूंढ लीजिएगा तो ऐसी दो क्वेश्चन पकड़िएगा जिसमें एक्टर एक्स पावर एक्स पावर जिसके है वो सेम तो इसका मतलब एक्स पावर वाला बेस सेम हो तो ये देखेगा ये क्वेजन थर्ड एंड फोर्थ तो अब के बार क्वेजन थर्ड बाई फोर्थ तो या फोर्थ बाई थर्ड कर दीजिए तो फोर्थ बाई थर्ड तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपकी टू पॉइंट एट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर यहां पे देखिएगा हमने अब की बार क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ पकड़ी है तो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ क्या है देखिएगा तो फोर्थ बाई थर्ड तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपकी ये देख लीजिएगा एक बार टू पॉइंट एट एट मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई की पावर एक्स और जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर की पावर वाई अब थर्ड क्वेजन क्या है आपकी थर्ड क्वेजन है यहाँ पे देखेगा सेवन पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट थ्री की पावर एक्स जीरो पॉइंट टू की पावर वाई अब आप इसको डिवाइड करेगा के से के कैंसिल ज़ीरो पॉइंट थ्री एक्स से ये कैंसिल अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं ये जब ऊपर जाएगा तो ये टेन हो जाएगा इससे कट के क्या आ जाएगा टेन तो ये कितना होगा टू ट्वेंटी एट पॉइंट टेन के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ट्वेंटी एट पॉइंट एट सेवन पॉइंट टू यहाँ पे क्या रह जाएगा जीरो पॉइंट फोर अपॉन जीरो पॉइंट टू की पावर वाई तो यहां पे कितना आएगा नोट देखेगा <coughs> चौथाईस तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे फोर आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये देखेगा फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका टू की पावर वाई अब यहाँ पे हमें इसको इनका बेस सेम करिएगा टू की पावर टू इज इक्वल टू टू की पावर वाई तो आपका कंपेयरिंग करेंगे जब पावर की तो y के पावर कितना आ गया टू अब रेट ला एक्सपेरिएशन क्या बना अब आप यहां पे देखिएगा अब x और y की वैल्यू आप क्वेजन फर्स्ट में पुट करिएगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इनक्वेजन फर्स्ट तो यही तो रेट लॉ एक्सपेरिएशन निकाला तो r इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ए की पावर x x की वैल्यू कितनी है भैया वन तो वन लिखने की जरूरत नहीं है एंड कंसंट्रेशन बी की बी की पावर वाई वाई की वैल्यू कितनी है आपकी टू या यहाँ पे वन लिख दीजिएगा ठीक है ना तो इसका ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका अब इसका आप इजी बता सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री ठीक है सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन तो इन पावर का जो सम होगा वही आपका क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है अब आपका वो जहां से ये भी पूछ रहा है आपका ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका तो हमने क्या देखा सबसे पहले आपको क्वेजन बनानी है इन क्वेजन से आपको एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकाल लेनी है और उसकी वैल्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आपने माना था वहां पे पुट कर देने है, वो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन बन के तैयार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया आपका थ्री अब क्वेश्चन देखेगा डिटरमाइन रेट लॉ और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहा था तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो अब इसमें वो पूछ रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा तो रेट कॉन्स्टेंट आपको खुद से निकालना है अब आपको क्या करना है पुटिंग द वैल्यू यहीं पर मैं कर लेना इसको खुद से कर लेना है अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इनक्वेजन जो भी आपका मन करे इसमें करे सेकंड में करे थर्ड में, में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेकंड में थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में जो भी आपका मन कर रहा है इन ये जो चार बनी थी इनमें किसी में भी रख दिया जैसे कि क्वेजन आपने सेकंड में रख दिया तो सिक्स पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट वन की पावर एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है वन एंड जीरो पॉइंट वन की पावर वाई वाई की वैल्यू कितनी है आपकी टू तो यहाँ से आप के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और के की वैल्यू जो रखनी है आपको विद कॉन्स्टेंट रखनी है और, और अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट के लिए अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट जो आपकी यूनिट होती है उसके अलग अलग होती है तो के की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी सिक्स मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री तो ये कितना हो गया टेन टू टेन टू पावर माइनस थ्री हो गया तो ये कितना आ गया सिक्स आ गया अप्रोक्स आपका कितना आ गया है सिक्स आ जाएगा तो ये आपका यूनिट क्या होगी यूनिट आप निकालना जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड पर सेकंड होती है फिर फर्स्ट वो जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड आपका जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होता है इसी तरीके से आपको के एक यूनिट सीधा फार्मूले में फार्मूले में क्या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ इसको चाहे निकाल के देख लेना आप यूनिट निकालने आपको अच्छे से आती है तो सिक्स आंसर आ गया इसका मोल पर लीटर है ना बड़ा एम ही बना दिया मैंने मोल पर लीटर है ना मोल मोल पर लीटर पर मिनट ठीक है ना ये इसकी कंसन मतलब यूनिट लगा के आपको लिख देना तो सिक्स आंसर आ गया फिर आप यूनिट तो लिख ही दोगे क्लियर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमने बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भैया टू प्लस वन इज टू थ्री आपको अब जो क्वेश्चन है अब आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद से लगाना है फॉर द रिएक्शन टू एन ओ प्लस ओ टू ये इसके डेटा एक्सपेरिमेंट वन टू थ्री फोर ठीक है ना ये आपको राइट द एक्सप्रेशन रेट ला एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सीधी सी बात है तीन क्वेजन बना लेना एक दो तीन और ध्यान रखना आप इसमें आपस में डिवाइड कर सकते हैं ये नहीं कि आप एक रिएक्शन को एक ही बार क्या कर सकते हो किसी चीज से डिवाइड कर सकते हो आपकी मर्जी है जैसे कि इसमें पहले की विजन को दूसरे के विविजन से डिवाइड कर दो फिर क्या करो इसमें पहले क्विजन को तीसरे से पहले को दूसरे से और फिर क्या कर लेना जो पहली वाड़ी है उसको तीसरे से फिर समझना पहली को दूसरे से दो क्वेजन ये तीन क्वेजन बन जाएंगे ना आपकी चौथी ये बन जाएगी पहली को दूसरे से करो क्योंकि ये अधूरी है क्योंकि ये पूछा गया तो इसको अभी छोड़िएगा इसको बाद में निकाल लेंगे पहली को दूसरे से एक क्वेजन ये बन गए मतलब कि डिवाइड ये तीन चार क्वेजन बनती है तो पहली क्वेजन को दूसरे से करो फिर क्या करो पहली को तीसरे से कर दो तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी जब वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दोनों को जोड़कर आप लिख सकते हो रेट को स्टैंड एक्स और वाई की वैल्यू रखकर आप रेट को भी निकाल सकते हैं आर कैसे निकालोगे आर इजल्ट क्या होगा बस यहाँ पे क्या करना है जैसे कि आर इजल्टू यहाँ पे बता रहा हूँ

ऊपर निकाल लूंगे इनसे ही आप तीनों क्वेजन में से एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन खुद से लगाना है चलिएगा अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट तो आपको बताना है कि इसका मतलब कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो सीधी सी बात है के की वैल्यू दे रखी है तो के यहाँ पे यूनिट पे नजर डालिएगा तो जो यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकंड तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट है तो ये रिएक्शन कौन सी हुई सेकंड ऑर्डर ऑफ

लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा से रेट ला निकाला था रेट ला एक्सप्रेशन पर अब के बाद यहाँ पे क्या सीधा दे रखा है देखो रेट इज इक्वल टू के तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है द पावर ऑफ द कंसनट्रेशन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इन रेट ला परंतु इसके तो रेट ला में कहीं मोलर कंसनट्रेशन कहीं है ही नहीं तो इसका मतलब किसी भी पावर के ऊपर किसी भी कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है यदि यहां पे होता एन एस थ्री सपोज दैट तो ये पावर वन तो वन होता परंतु तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन मोलिकुलरिटी पूछ रहा है मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होती ये सीधा देखिएगा इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू तो टू टू रिएक्टिंग स्पीसीज है तो आपका टू हो गया मोलिकुलरिटी यूनिट ऑफ तो यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपका जीरो तो के यूनिट क्या हो जाएगी यहां पे यूनिट ऑफ के आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर आर रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन तो ये रेट लॉ दिया है आपका तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मांग रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रेट एक्सप्रेशन -like है तो इसको सम कर दीजिए कर दीजिएगा इसकी पावर को वन और टू कितना हो गया आपका थ्री फॉर द रिएक्शन ए गिव्स टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स थ्री टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय नाइन टाइम्स यदि आपका सपोज करिएगा कोई रिएक्शन है आर वन इज इक्वल टू सपोज करेगा आर इज इक्वल टू के ये रेट ला इसका एक्सप्रेशन है सपोज करेगा ये हो गया आपका एक्स ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन है कोई रिएक्शन है सपोज करेगा यदि आपकी इसके कंसंट्रेशन को हम क्या कर दे एक की कंसंट्रेशन को यदि तीन गुणा कर दे दो सॉरी नाइन नौ गुणा कर दे के सपोज करेगा स्टार्टिंग इस में इसकी ये तो आपका रेट ला एक्सप्रेशन हो गया आर तो के, एक पावर अब यदि हम इसके कंसंट्रेशन को नो गुणा करें इसका मतलब नाइन नाइन मल्टीपल कर दिया हमने इसको है ना तो इसका जो कंसंट्रेशन है मतलब कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कितना हो जाता है सपोज करिएगा कि आर वन जब हमने इसके नो गुणा करा इसकी कंसंट्रेशन तो इसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन कितने हो गए R1. अब देखेगा जो आर वन होता है इसने बताया है वो पहले वाले से क्या हो जाता है तीन गुना हो जाता है अब यहाँ पे देखेगा आर वन की वैल्यू किसके है? के नाइन ए सॉरी इसकी पावर एक्स भी लगाइएगा और आर कितना है आपका स्टार्टिंग में के अब यहां पे देखिएगा आप ये नाइन गुना हो जाती है आपकी नौ गुना चलो कोई बात नहीं अब यहां पे करिएगा के से के कैंसिल हो गया और आपका इसे आप क्या कर दीजिएगा <laughs> तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नाइन के पावर एक्स ए के पावर एक्स थ्री मल्टीप्लाई ए के पावर एक्स तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिखेंगे थ्री की पावर टू एक्स बेस इसका सेम करिएगा यहां पे थ्री के पावर वन ही है जब हम इसके कंपेयरिंग करेंगे पावर के तो टू एक्स इज टू वन तो एक्स इज टू कितना हो गया हाफ तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया भैया हाफ ठीक है क्योंकि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है होल नंबर भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है ठीक है तो ये था नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट ऑफ क्यूजन थैंक यू